Hello friends, today we are going to learn homophones. Homophones are basically the words which are similar in pronunciation but different in meaning. The first pair of the homophones are access, accession and access. Access means approach. इसको हम हिंदी में पहुंच भी कह सकते हैं. So another is accession. So accession means coming to throne. मतलब कि तख्त पे बैठना. एक्सेस मोर देन डिजायर्ड, इसको हम अधिक कहेंगे. एक्सेप्ट मीन्स, एक्सेप्ट मीन्स टू टेक, मतलब अपनाना. एक्सेप्ट लीविंग आउट, इसके अलावा. एक्सपेक्ट होप. सो अनदर वर्ड्स आर अल्टर. अल्टर मीन्स चेंज. अल्टार, अल्टार मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप. अनदर, सो असेंट, असेंट मीन्स एग्री. सो अनदर इज असेंट. असेंट मीन्स क्लाइंबिंग अप, किसी चीज़ पे चढ़ना. अनदर वर्ड्स अडॉप्ट. अडॉप्ट मीन्स टेक अप, हिंदी में कहेंगे अपनाना. अडैप्ट, एडजस्ट, अडैप्ट, अडैप्ट हो गया एक्सपर्ट. सो अनदर वर्ड्स आर एक्सीड. एक्सीड मीन्स एक्सेप्ट. एक्सीड सरपास, किसी चीज़ से ज़्यादा हो जाना, अधिक. इसको भी हम हिंदी में अधिक ही कहेंगे, सॉरी. अनदर इज कंसीड. कंसीड मीन्स एग्री. सो अनदर पेयर ऑफ वर्ड्स अल्टरेशन मीन्स चेंज. अल्टरकेशन मीन्स वर्डी क्वर्ल, लड़ाई. सो अनदर पेयर अपोजिट. अपोजिट मीन्स सूटेबल. अपोजिट, अपोजिट मीन्स कॉन्ट्रेरी. अनदर इज अफेक्ट. अफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस और टू प्रिटेंड. सो अनदर इज अफेक्ट. अफेक्ट हो गया इन्फ्लुएंस. हेयर अफेक्ट इज बेसिकली द रिजल्ट. वी यूज अफेक्ट वेन फॉर द रिजल्ट एंड अफेक्ट एज ए वर्ब. सो वी विल जल्दी से दी चीज आर अफेक्टिंग मी. सो अफेक्ट हेयर इज फाइनल रिजल्ट. सो अली, अली मीन्स सफर. एल, एल मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, मतलब कोई नशा, नशीली दवाई या नशीली शराब. सो अप्रीहेंड, अप्रीहेंड मीन्स फियर, परसीव, अरेस्ट. सो अप्रीहेंड हो गया कि जा किसी को पकड़ना, अरेस्ट, या परसीव आ गया अनुभव करना. सो कंप्रीहेंड, अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड मतलब समझ. सो अनदर इज एंटीक, ऑफ एंशियंट टाइम्स, मतलब पुरानी चीजें. एंटीक, एंटीक आर्ड और ट्रिक्स. बस एंटीक का मतलब हो गया ट्रिक्स, आर्ड हो गया अजीब. सो अल्टरनेट मीन्स बाय टर्न्स, मतलब बारी बारी. सो अल्टरनेटिव, वन ऑफ द टू चॉइसिस. अल्टरनेटिव हो गया विकल्प. सो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो गया वन हु प्रैक्टिस फाइन आर्ट, इसको हम कहेंगे कलाकार. सो आर्टिसन, आर्टिसन मीन्स वन हु डज हैंडीक्राफ्ट, इसको शिल्पकार, कारीगर या मिस्त्री. सो अनदर इज अफेक्शन, लव, काइंडली फीलिंग. अफेक्टेशन मीन्स अननेचुरल बिहेवियर, प्रीटेंस. अननेचुरल बिहेवियर आ गया कि बनावटी बर्ताव. सो प्रिटेंस आ गया दिखावा. सो एब्सटेन, एब्सटेंस मीन्स बचना. कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स. रिफ्रेन आल्सो हैव सेम मीनिंग्स, कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स.
another is avenge. Avenge is just punishment, and revenge to punish out of personal grudge. So इसमें खाली बदला होता है और इसमें personal involvement की मतलब ज़्यादा गुस्से की भावना से revenge. Adulteration means making impure, मिलावट करना. So यह आ गया मिलावट. Adultery, having an extra marital affair or relations. Aspirations, slander, मतलब slander, बदनामी. निंदा. सो एस्पायरेशन, एम्बिशन, डिजायर, आकांक्षा. हो फ्रेंड्स, यू लाइक माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.